अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? वेलकम इन अ न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ने जाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से और कैसे काम करता है इसके बारे में हम समझते हैं। इससे पहले आपको एक छोटा सा फैक्ट याद करवा दूं, और फैक्ट ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक फुल स्टॉप हो तो इस फुल स्टॉप में जो एटम्स की तादाद है वो कितनी है? 2 मिलियन। यानी there are almost 2 million atoms in a single full stop। इतना छोटा होता है एटम। अब मसला बड़ा अजीब है, वो ये कि हम एटम को तोलना चाहते हैं, तो एटम को कैसे तोलेंगे और किस तराजू में तोलेंगे, ये बहुत ही अहम सवाल है। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको पहले कि ये रिलेटिव या रिलेटिवनेस यूं कह लीजिए, ये रिलेटिव एटॉमिक मास इस तरह से निकाला जा सकता है। देखिए, नाम से जाहिर है कि ये एक रिलेशन करके आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक छोटे से बात करते हैं एक तराजू की। ये आपके पास एक तराजू है। अब आपने करना ये है कि इस तराजू पर कुछ तोलना है। मिसाल के तौर पर हम जब बाजार जाते हैं, अब तो खैर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो गए बैलेंसेस, लेकिन पहले ये मैकेनिकल बैलेंस ही होते थे। तो इसमें होता यह है कि यहां पर एक वेट रख दिया जाता है और ये वेट ऑलरेडी नोन होता है। हम मान लेते हैं कि जो वेट है आपके पास, ये वेट 1 किलोग्राम है। तो अगर आपने कोई चीज खरीदनी है, चीनी खरीदनी है मिसाल के तौर पर, और या फिर आपने कुछ भी इसके अंदर खरीदना है, और अगर उस चीज का वजन इसके वजन के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। यानी अगर आपने 1 किलोग्राम कोई शय खरीदनी है तो आपको पहले से मौजूद एक वजन के बराबर, जो कि 1 किलोग्राम तसव्वुर किया जाता है के बराबर, वो चीज लेनी होगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज आप खरीदना चाहते हैं और जितने वेट में आप लेना चाहते हैं, तो उसके बराबर या उसके मल्टीपल में आपके पास एक वेट होना चाहिए। तो ये कहलाता है रिलेटिव मास, मतलब एक चीज का मास जो किसी दूसरी चीज के साथ मवाजना किया गया हो। तो यही चीज जरा दोबारा देखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी अब हमने एटम का मास लेना है लेकिन किसी रिलेशनशिप को देखते हुए या किसी भी दूसरी शय के साथ कंपेयर करते हुए। अगर आपने मास लेना है तो किसी दूसरी शय का भी मास लिया जाएगा और दोनों को कंपेयर किया जाएगा। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाता हूं कि हमने ये कहा कि एक रेजर और एक पेंसिल, यानी 1 razor + 1 pencil इज इक्वल टू, आंसर बड़ा अजीब है, आंसर वही है 1 razor 1 pencil, लेकिन अगर आपसे कहता है 1 pencil + 1 pencil इज इक्वल टू 2 pencils, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप एक ही चीजों को, यानी एक जैसी चीजों को काउंट कर सकते हैं, मैस को मैस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, पेंसिल को पेंसिल के साथ, और इसी तरह। लेकिन मैस को वॉल्यूम से या मैस को किसी साइज से कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात तो हमें ज़हन में रखिएगा, आगे जाकर इसको फिर हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, मिसाल के तौर पर अब यही तराजू दोबारा आपके पास आ जाता है और इसके अंदर आप चाहते हैं कि हम किसी एटम का वजन कर लें। तो ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये हमारे पास वही तराजू है और अब देखें, करना ये है कि आपने इसको तोलना है। तोलने के लिए आपको यहां पर क्या रखना पड़ेगा? एटम। लेकिन अगर आप यहां पर कोई एटम रखकर तोल रहे हैं उसका वजन, तो यहां पर भी कोई वजन होना चाहिए। अब देखें, एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इतना छोटा है कि उसको हम ऐसे एक को उठाकर किसी एक जगह पर रख नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई तराजू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा तराजू हो तो क्या होगा? तो आपको अगर कोई एटम का वजन लेना है, मास लेना है, तो आप दूसरी तरफ क्या रखेंगे? दूसरी तरफ यकीनन उसी तरह का एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होगा, और वो भी कोई ना कोई एटम होगा। तो यहां पर हमने एक बात सीखी, वो क्या? वो ये कि ये आपके पास एक और एटम है जिसको आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड मानना है। स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड क्या होता है, यानी वही वजन जो ऑलरेडी नोन हो। तो यहां पर भी एक एटम रखना है जो कि स्टैंडर्ड के तौर पर काम आएगा और उस एटम का मैस हमें पहले से ही मालूम होगा। ये आपको पता चलता हूं कि मुख्तलिफ अदवार में जो स्टैंडर्ड एटम था वो डिफरेंट रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन भी रहा है, तो बहुत पुरानी किताबों में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाता था, लेकिन फिर कुछ मसाइल की वजह से क्या हुआ, फिर हमें इसे चेंज करना पड़ा। ठीक है, वो क्या मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर हमारी डिस्कशन नहीं है। तो कार्बन, बात ये करते हैं कार्बन की। अब चेंज हो गया है हाइड्रोजन से कार्बन। देखिए, जब हाइड्रोजन था तो बात बड़ी ईजी थी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वेट था, वो था 1। यानी 1 क्यों, कोई किलोग्राम नहीं, क्योंकि इतना भारी तो नहीं होता। असल में मामला यह है कि जब हम पीरियोडिक टेबल का जिक्र करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे छोटा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर है, और जो इससे बड़ा है वो इससे डबल तस्वर किया जाता है। जो उससे ज़्यादा है, ठीक है ना, वो उससे ज़्यादा बड़ा, और जो उससे ज़्यादा बड़ा है वजन में भी, और ये आपके पास मौजूद है। मतलब ये सब कुछ मैसेज के अतबार से बात हो रही है, साइजेस के अतबार से नहीं। तो वो रेफरेंस फिर कोट करते हैं कि हमने मैस को मैस से कंपेयर करना है, ना कि साइज से। तो अब हाइड्रोजन से जो डबल भारी होता वो 2 होता। अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1 amu, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट मतलब 1, तो दूसरे का जो इससे भारी हो डबल तो उसका क्या होगा, 2। ठीक है, और जो इससे 3 गुना भारी हो तो उसका वजन या मास 3 और नेक्स्ट का 4। तो हाइड्रोजन के मामले में ये बात कुछ आसान थी, लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। तो हम नेक्स्ट बात जो असल करनी है हमने, वो है कार्बन की। हमने यहां पर यानी इधर स्टैंडर्ड के तौर पर कार्बन रखना शुरू कर दिया, लेकिन कार्बन का वजन आपको पता है वो कितना है, 12। अब कार्बन का मास 12 है, तो सब देखें 12 यहां पर अगर हो तो दूसरी जगह अगर ये वजन बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ये भी 12 है। अगर यहां पर हमने 2 कार्बन रख दिए तो वजन हो जाएगा कितना, 24। तो ये भी 24 नापा जा सकता है, लेकिन उन एटम्स का क्या जिनका वजन 13 हो, 14 हो, 11 हो, 10 हो, एंड सो ऑन। मतलब अब यहां पे परेशानी है। परेशानी क्या है कि या तो हम कार्बन को रखकर इधर भी 12 तोल सकते हैं या 24 मल्टीपल तोल सकते हैं, क्योंकि हम कार्बन की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 12 का इजाफा होता जाएगा। तो बात यह है कि जिसका वजन 13 है, 14 है, 15 है, जिसका वजन 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, वो वजन हम कैसे तोल सकेंगे, ये हमारे लिए एक अहम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया हमने, वो इस तरह से कि हमने कहा कि हम कार्बन 12 तो लेंगे, लेकिन कार्बन 12 का यूनिट मास लेंगे। अब यूनिट मास से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप सोचें कि एक कार्बन एटम का जो वजन है वो 12 है, ठीक है, और जैसे मैंने आपसे कहा, ये लास्ट लेक्चर में बात भी हुई थी कि हम इन वजन को amu में लेते हैं, ना कि किलोग्राम में। बाकी आपको बताया गया था कि जो amu है वो किलोग्राम में कन्वर्टेबल है। बहरहाल नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अगर एक कार्बन हम बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक कार्बन का वजन 12 amu है, तो आप यूं लिख सकते हैं कि 12 amu वजन है एक कार्बन का। तो 1 amu वजन में कितने कार्बन होंगे, ये आपके पास यहां पर क्या है, एटम्स। तो 12 amu एक एटम का वजन है, तो 1 amu में कितने एटम्स होंगे, तो 1/12 होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्या करना है, कार्बन को हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट लेकर आना है, तो आपको उसका वजन कितना करना होगा, हाइड्रोजन जितना, यानी कि 1। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब हम कार्बन का सिर्फ 1/12 हिस्सा तोले, यानी 1/12 हिस्सा एटम का 1 amu वजन देता है।
बात अभी इतनी क्लियर नहीं हो रही है आपसे, दोबारा से इसे क्लियर करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है और इस कार्बन का एक का वजन 12 है, इसलिए आप इसको कार्बन 12 या कार्बन 12 भी बोल सकते हैं। अगर हम इस कार्बन का 1/12 पार्ट ले लें तो इसका वजन सिर्फ एक यूनिट के बराबर होगा, एक यूनिट मास के बराबर होगा, मतलब 1। तो अब क्या करना है? अब करना यह है कि जो तराजू पे आप कार्बन रखोगे वो कार्बन बड़े एहतियात से रखना है। क्यों? वहां पर आपने ये 12 वजन रखने वाला कार्बन नहीं रखना, बल्कि ये सपोज करना है कि कार्बन के 1/12 हिस्से को यहां पर रखना है ताकि उसका वजन किसके बराबर हो, एक यूनिट के। अब बड़ा आसान हो गया, अगर कार्बन के 1/12 पार्ट को यहां पर रख दिया जाए और तराजू को बराबर बराबर कर लिया जाए तो जो चीज आप यहां पर तोलेंगे उसका वजन भी एक यूनिट के या एक एटॉमिक यूनिट के बराबर होगा। दोबारा बात समझ लीजिए, यानी कार्बन का 1/12 पार्ट किसके बराबर होगा, एक AMU के, और अगर इसके बराबर आपने कुछ तोल लिया तो वह भी एक AMU के। अगर कार्बन का 1/12 जो मास है वो डबल कर दिया जाए, यानी ये डबल कर दिया जाए, तो वजन कितना हो जाएगा, 2, और उसके बराबर जो चीज तोली जाएगी उसका वजन भी क्या होगा, 2, 3, इसी तरह से यहां पर भी 3। इन दिस वे वी कैन कंपेयर द मास ऑफ एनी एटम विद द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एंड वी कैन फाइंड ऑल द मैसेस फ्रॉम 1, 2, 3, 2 एंड सो ऑन। यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें यहां पर कार्बन का 12, यानी कार्बन का वो एटम जिसका वजन 12 हो वो नहीं रखना, बल्कि कंसीडर करना है कि कार्बन का 1/12 पार्ट होना चाहिए। ये मैंने थोड़ी सी बात समझाई है जो काफी हद तक बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो यहां अगर आपको भी कोई बात समझ नहीं आती, वैसे तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा अगर आपने गौर से सुना होगा, इसको लिखे भी अपने साथ साथ और रिवाइज भी करते रहा करें। कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो वह आप मुझे पूछ भी सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे तारीफ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ एटम विच इज रिलेटिव टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन विच इज टेकन एज 12। यानी वो कार्बन, अब एक बात इंपॉर्टेंट और भी है, कार्बन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका वजन 14 होता है, वो मैं अगले टॉपिक में जिसका नाम है आइसोटोप वहां पर डिस्कस करूंगा। तो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। अब आपने कौन सा कार्बन लेना है? कार्बन 12, ताकि जब उसका 1/12 पार्ट हो तो वो 1 AMU के बराबर हो। तो बात ये क्या कही हमने, दोबारा सुन लीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास से मुराद किसी भी एटम का वो मास है, यानी तोला गया वो मास है जो कि तोला गया है कंपैरिजन करके, रिलेटिवनेस में मुकाबला करके, किससे, कार्बन के 1/12 पार्ट से। तो ये आपके वन कार्बन का 1/12 पार्ट किसके बराबर है, 1 AMU के। तो बेटा ये अब दोबारा से एक दफा इसको देख लें, तारीफ को, ये बड़ी आसान सी है, याद कर लेंगे, यही चीज आपको बाजू का टेंशन देती है। और वो क्या है, दोबारा देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ मास, relative atomic mass is a mass of atom which is obtained by comparison with 1/12 part of the carbon taken as 12। तो ये आपके पास देखिए बाजू का होता है कि बच्चे समझते हैं कि शायद दो लफ्ज आपको थोड़ा समझ में आने चाहिए, वो ये तो कह देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ एटम, लेकिन ये नहीं कहते रिलेटिव टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये क्या मतलब है, ये मास ना कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मास को कंपेयर कर रहे हो कार्बन के 1/12 पार्ट यानी साइज से,
तो साइज से कंपेयर नहीं कर रहे, मैस को मैस से ही कंपेयर करना है। तो मैस आपके पास यहां पर है तो यहां पर ही मैस है, लेकिन फर्क यह है कि यहां कार्बन का 1/12 मैस है। तो ये आपके पास बहुत ही अहम बात हुई, मेरा खास मुश्किल नहीं लगी होगी। तो जब हमने ऐसा किया और हाइड्रोजन को यहां पर रखकर कार्बन से कंपेयर किया और रिलेटिव मैस निकाला, तो वो हाइड्रोजन का निकला 1.008 AMU। इसे मजीद भी हम एलैबोरेट कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर किताबें ऐसा लिखती हैं। इसी तरह से क्लोरीन है वो भी 35.5 AMU है। और मजीद आगे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर तो 63.5 AMU है। यहां पर कुछ राउंड ऑफ फिगर्स हैं, ये फिगर मजीद भी आगे जाते हैं, लेकिन इतना भी आप याद कर लें तो ये आसान हो जाएगा और याद करने में भी आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो अब आपने क्या सीखा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो बच्चे नहीं क्या कहते हैं ले पा रहे लेक्चर, उनको पता नहीं है, प्लीज उनको बता दें ताकि आपको यानी फायदा तो हो रहा है, उनको ये फायदा हो जाए। किसी का नुकसान मत करें, उनका भी फायदा सोचा करें और इस तरह से आपका भी ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि उनको नोटिफिकेशन वक्त पर मिल जाए, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने ऑल नोटिफिकेशन की जो बेल है वो ऑन नहीं की हुई। प्लीज वो कर लीजिएगा। थैंक यू।